सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हरिदर्शन विद बिलजीत। और आज मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस हिस्से में आया हूँ, शिव टेंपल एंड शनि टेंपल, जो कि बिल्कुल बंगला साहिब रोड पर स्थित है और जो कि हनुमान जी के टेंपल के साथ है। फेमस हनुमान जी का टेंपल है, उसी के साथ ये स्थित है। ये दो टेंपल है, शिव टेंपल और साथ ही गणेश जी का टेंपल है, जिसके मैं क्लिप्स कुछ लास्ट में दिखाऊंगा। तो चलिए आइए, अंदर चलते हैं, अभी शुरू करते हैं। यहाँ से अभी हम अंदर आ गए हैं और सबसे पहले हम शनि दर्शन करेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने खुद भी वहाँ पे बहुत ही आकर्षित मूर्ति बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। यहाँ से देखिए, मैं शनि टेंपल की ओर जाते हुए, मैंने खुद भी यहाँ पे आए, जब भी दिया वगैरह जलाएं, देखिए कितने खूबसूरत तरीके से जलाया है। बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, लेकिन जिस टाइम मैं आया था, टाइम निकाल के आया था, जिस टाइम में भीड़ नहीं रहती। और ये देखिए, यहाँ से शनि जी के दर्शन करते हुए यहाँ पे आराम से आप दिया जलाएं, तेल, ये देखिए सामने कितने आकर्षित रूप से दिखाया गया है शनि देव जी को। बहुत ही अच्छा लग रहा था जब आप सामने से देखेंगे। और यहाँ से ये देखिए, ये है छोटे छोटे टेंपल बनाए गए। ये है सामने शिव और पार्वती जी का टेंपल, ये देखिए सीताराम, सीताराम लक्ष्मण। और देखिए यहाँ से ये एक छोटा सा टेंपल है जो कि पीपल का पेड़ है जहाँ पर, और यहाँ पे यज्ञ किया जाता है। और इसकी, ये बहुत हिस्टोरिकल टेंपल है जिसकी स्थापना 1877 श्री महाराज स्वामी राम जी के द्वारा रखी गई थी। और साथ ही यहाँ गणेश जी का टेंपल भी है। अभी मैं लास्ट में आपको मैंने बताया था कि लास्ट में उस पर दिखाऊंगा कुछ क्लिप उसके। और यहाँ से अभी मैं अंदर, हम जाएंगे यहाँ से शिवलिंग के, शिव जी के दर्शन करते हुए। ये देखिए बहुत ही ऐतिहासिक टेंपल है। दर्शन करने का समय जो है इसका 6 से 12 है और इवनिंग में 4 से 9:30, और आरती का समय होता है इसका 8 से 7 बजे तक। ये देखिए साहब, में शिवलिंग का देख ही सकते हैं मैं कैसे यहाँ पे इंजॉय करते हुए। बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने अंदर दर्शन किए, और साथ ही जब मैंने गणेश जी का टेंपल देखा लास्ट में, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये देखिए सामने हनुमान जी को, माँ शेरावाली, ये देखिए छोटे छोटे रूप में सबको दिखाया गया है। और ये माँ का विराट रूप देख ही सकते हैं आप यहाँ से। और ये मैंने यहाँ से एक नंदी का क्लिप लिया था जो कि बहुत ही जरूरी था। यहाँ से, यहीं से सामने जब नंदी जी की तस्वीर को देखेंगे, यहाँ पे बना हुआ मूर्ति, तो उसी के सामने ही एकदम एंट्री होती है सामने शाम जी की। देखिए कैसे टेंपल को बनाया गया, बहुत ही हिस्टोरिकल टेंपल है, बहुत भीड़ उमड़ती है यहाँ पे। और ये आ गए अभी हम यहाँ पे गणेश जी के टेंपल। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, यहाँ के बिल्कुल भी फ़ोटो अलाउ नहीं थी, तो मैं कुछ क्लिप फिर भी ले पाया आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल भी फ़ोटो अलाउ नहीं है। यहाँ से सामने देख सकते हैं, सामने ही ये जहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे, यहीं पे बीच में हमारे 9 ग्रहों की पूजा की जाती है, जो कि बिल्कुल भी यहाँ पे फ़ोटो अलाउ नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने सामने से देखा ये कि किसने खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से अभी मैं बाहर आ गया हूँ, तो गाइस यहाँ से मैंने पूरा कोशिश करी है पूरा कवर करने की, पूरे टेंपल को, मेरा एक छोटा सा वीडियो है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने कोशिश करी है पूरे टेंपल को कंप्लीट कवर करने की, और जितना हो सका मैंने दिखाने की कोशिश करी है। तो यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए, मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। गुड बाय।